बताएंगे कि साबुन कैसे फैटी लेयर को, फैटी गंदगी को साफ करता है। आप लाइन पर बने रहिएगा। देखिए, हम कंटेनर में डालते हैं साबुन का घोल है। ये देखिए साबुन का घोल है। ये साबुन का घोल कैसे फैटी लेयर को खा जाता है, साबुन कैसे फैटी लेयर को खा जाता है। और देखिए, हम दोनों में थोड़ा सा डालेंगे, एक एक चम्मच मुश्किल से। लाइन पे बने रहिएगा एकदम कंटिन्यूअस। ये देखिए, ये आपका मस्टर्ड ऑयल है, ये आपका मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है, ऊपर में है, ये अभी आपका मस्टर्ड ऑयल है, डाल दिए। आपको दिखाना है कि ये मस्टर्ड ऑयल जैसे गंदगी को ये साबुन कैसे दूर करता है, ये गंदगी को कैसे दूर करता है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। क्योंकि पानी का, साबुन का ऑयल का डेंसिटी कम होने के कारण साबुन के ऊपर ही तैर रहा है। अब आपको दिखा रहे हैं, एक को मिला रहे हैं, एक को हम मिला रहे हैं। देखिए, ये साब, ये वाली जैसे गंदगी को कैसे दूर कर देता है, यह बड़ा आश्चर्य होगा आपको, सरप्राइज भी होगा आपको। ये देखिए, इसमें तेल ज्यों का त्यों है, और इसमें का तेल कहाँ गया, यह देखिए, इसमें का तेल करीब करीब सब जगह वो मिल गया। मतलब ये साबुन जो होता है वह क्या करता है, फैटी लेयर को काटता है, और गंदगी के रूप में साबुन के जो पार्टिकल्स हैं वह छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में ऊपर में इकट्ठा होगा। यहाँ का देखिए, तेल ऊपर का ऊपर ही रह गया, लेकिन जब हम साबुन के साथ फैटी गंदगी को जब हम फ्रिक्शन में लाते हैं तो वह साबुन क्या करता है, उस फैटी गंदगी को दूर कर देता है। आप देख रहे हैं, इसमें का आखिर वाइली लेयर गया कहाँ, इसमें वाइली लेयर आपका ऊपर में ही है, और धीरे धीरे गंदगी के रूप में यह वायल क्या होगा, एक बुलबुले के रूप में, एक पार्टिकल्स के रूप में इकट्ठा होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा वीडियो आपको बेटर तो ज़रूर लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।